टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित सुपर टेट के छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी पूरी टीम रवि सर एवं आलोक सर के निर्देशन में हम लोग पूरी मेहनत से आपके लिए तत्पर हैं और एक नया बैच एक नए तरीके से क्रिएट किया गया है ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, यह हमारा परम लक्ष्य है और हमारा यह सूत्र वाक्य है कि आपकी सफलता हमारा लक्ष्य, यह हमारा सूत्र वाक्य है। लेकिन हम अभी तक जो भी मेहनत करते हैं उसके परिणत आप हैं और आप ही बताते हैं कि हम कितने सर्वोपरि हैं, कितने अच्छे हैं या नहीं है। जो भी है आपके कमेंट यानी सांचारिक रूप से जो आप हमको देते हैं वही हमारे लिए कैटलाइसिस का काम करता है, वही महती आपकी कृपा होती है क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, हमें मानते हैं, इसलिए कि हम लोगों ने पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक इतना मिसाल कायम किया है कि आपको लगता है कि नहीं, ये केवल बाह्य रूप से नहीं है बल्कि जब क्लासेज होती हैं तो क्लासेज में आपको लगता है कि हाँ ऐसा ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उस पर ये चल रहे हैं, उस पर ये कर रहे हैं। हम लोगों का आपका जो स्नेह होता है और हम शिक्षकों का सभी स्नेह जो होता है वह ऐसा स्नेह नहीं होता है कि बस दिखावटी स्नेह होता है, वास्तविक रूप में हमारा ही कुछ ऐसा अंदर से भी उद्देश्य रहता है कि आप सफल हो जाएं। उसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रियाओं को आपको फॉलो करना पड़ता है तभी आप अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाते हैं। इस प्रक्रियाओं में अगर आपको इच्छा है और आप चाहते हैं कि अपनी सुपर टेट में आपकी जीत का मतलब यह हुआ कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, तो आप इंट्री एस्टेट या सुपर टेट लिख करके इस नंबर पर, ये जो नंबर है 9125423936 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और नीचे स्क्रॉल में जो नंबर चल रहा होगा उस पर डिटेल अगर आपको बात करनी है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। वैसे आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, पूरी डिटेल आपको जानकारी दी भी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो नीचे जो स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं। आज कुछ मैं एक अलग टॉपिक लेकर के आया हूं जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और उस टॉपिक से आपको कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं और ये जो टॉपिक है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं कभी कभी बोल देता हूं। बाय द वे अगर कभी ये मैं पेपर निर्धारक नहीं हूं, मेरी इच्छा रहती है कि आप जो है जो पढ़ाया जाए वही आ जाए और ऐसा होता भी है कि हम लोग जो जितना मेहनत करते हैं, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं और जो आपको क्लास नोट्स होता है यानी जो हम पढ़ाते हैं उससे इतर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं पब्लिकली कह रहा हूं कि मैं भगवान नहीं होता हूं, मेरा पूरा उद्देश्य होता है कि आपको सफल आप सफल हो जाएं और ऐसा ही होता चला आया है। इसलिए विगत अनुभवों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे जो टारगेट विद आलोक यह संस्था है, यह जो आपको मैटर उपलब्ध कराता है, जो क्लास देता है, वह निश्चित तौर पर आपके लिए सफलतादायी क्लास होता है, सफलतादायी मैटर होते हैं। तो आइए चलते हैं, एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। एक टॉपिक होती है क्रिया टॉपिक होती है और उस क्रिया में होता क्या है कि कुछ बहुत ज्यादा इसमें मैं इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूं कि ये क्रिया ना कभी कभी बड़ा डिस्टर्ब कर देती है लोगों को और इसमें मात्र रचना के आधार पर क्रिया कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रचना के आधार पर क्रियाओं को जानना चाहिए, मेंशनिंग की हमारी मतलब नहीं होता है कि क्या मेंशन है क्या नहीं है। तो आज हम किस पर क्रिया पर बात करेंगे और देखा जाए ये क्रिया क्या होती है।
अगर हम बात करते हैं क्रिया पर, तो इसमें रचना के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर क्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक, इसी को हम कह सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन इस क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो क्रिया का निर्माण किससे होता है? यह धातु से होता है। क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। अब ये बात आती है कि तो धातु क्या होती है? अगर क्रिया का निर्माण धातु से हो रहा है तो ये धातु क्या है? तो आपको ये जानना होता है कि धातु, इंग्लिश में इसको रूट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, यानी जड़ कहते हैं। एक प्रकार से ये हो सकता है। धातु मतलब होता है क्रिया का मूल रूप, जिससे क्रियाओं का निर्माण होता है। यानी धातुओं से क्या होता है? क्रियाओं का निर्माण होता है। अब ये क्रियाओं का अगर धातुओं से निर्माण होता है तो क्या किया जाए? तो आप ये जान लीजिए, किसी भी धातु में ना लगा देते हैं, अगर ये ना लगा देते हैं तो यह क्या बन जाती है? क्रिया का निर्माण हो जाता है। यानी हम ये कह लें कि अगर ऐसा कहें कि धातु प्लस ना बराबर क्या होगा? क्रिया हो जाएगा, तो यह इसमें कोई गलत नहीं होगा। अब ये बात आती है, यानी अगर धातु में ना लगाते हैं तो क्रिया हो जाती है, तो क्या सभी क्रियाओं में ना आता है? तो आप ये कहेंगे हाँ, सभी क्रियाओं में ना आता है। यानी कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि जिसमें ना अंत में ना आता हो। यानी सभी क्रियाओं की पहचान आपको सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूं कि सभी क्रियाओं के अंत में ना आता है। अगर ऐसा आता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई शब्द लिखा है, आपने ये लिखा कि भाई उड़ना क्रिया है, ठीक है। आप कहेंगे कि कैसे क्रिया है? मान लीजिए हम लिखते हैं पक्षी उड़ते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अभी तो आपने बताया है कि ये जो है हर क्रिया के अंत में ना आता है, तो यहां पर कैसे जो है उड़ते हैं इसमें कहां पर ना आया? मान लीजिए हमने ये भी लिखा कि माधवी खाती है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा अशोक पढ़ता, अशोक पढ़ता पढ़ता है, ऐसा मैंने लिखा। अब आपके प्रश्न होंगे कि भाई यहां पर तो ना नहीं आया। एक सेंटेंस और हम लिख देते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और विस्तार कर देता हूं। अगर लिखते हैं हंस जाएगा, ऐसा मैंने लिखा, ठीक, ऐसा लिखा। अब ये हमको बताइए कि इसमें क्रिया क्या है, कहां पर ना आया? तो देखिए, मूल रूप जब आप देखेंगे तो मूल रूप हमेशा आप धातु पाएंगे। आप उसमें ना जब लगाएंगे तो वो क्रिया का निर्माण होगा। अगर ये देखेंगे यहां पर जा इसका धातु है, और इसमें अगर हम प्लस ना कर दिए तो ये क्या बन गया? जाना हो गया। अब ये जाना हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन अब इसी क्रियाओं का काल के आधार पर, इस क्रियाओं को
किस आधार पर, काल के आधार पर, काल के आधार पर कितने इसके रूप बदल जाएंगे। अगर यह काल यानी ये जो पीरियड है, ये जो समय है, यह अगर वर्तमान काल का है तो क्रिया वर्तमान काल की हो जाएगी, अगर वह भूतकाल का है तो क्रिया भूतकाल की हो जाएगी, अगर क्रिया भविष्य काल की है तो वह क्रिया भविष्य काल की हो जाएगी, लेकिन मूल रूप वही रहेगा। यानी हंस जाएगा, यानी मूल क्रिया हमारी जान, हमारा जाना है, जाना ही क्रिया है। अब इसमें काल के आधार पर यह भविष्य काल का गागेगी भविष्य काल का होता है, था थे थी भूतकाल का होता है, और ता है ती है ये सब क्या होते हैं, वर्तमान काल का एक क्रिया है। तो यहां पर जो है आपको यह यहां भी मूल रूप आपको जाएगा का जाना क्रिया ही मिलेगा। यहां पर उड़ते हैं ये काल के आधार पर हो गया है, लेकिन इसकी मूल जो क्रिया होगी वह क्या होगी, उड़ना क्रिया होगी। वह क्या है, क्रिया क्या है, उड़ना है, और धातु क्या है, उड़ है। अगर धातु देखेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, उड़ मिल जाएगा, और उड़ में अगर ना लगा देते हैं उड़ धातु में तो वह क्रिया बन जाएगा, काल के आधार पर उड़ते हैं यहां पर हो जाता है। माधवी खाती है तो यहां पर खाना क्या है, क्रिया है। अशोक पढ़ता है तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। यानी ये क्या है, क्रिया है। इसलिए मैंने कहा कि प्रत्येक क्रियाओं के अंत में ना आता है, और क्रियाओं का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है, या किसी भी, हम दूसरे रूप में कैसे कह सकते हैं कि किसी भी धातु में अगर हम ना लगा दें तो वह क्रिया का निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर यह हमारी क्रिया है, इसी क्रियाओं को रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसको मैंने अभी बताया है कि रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर अथवा कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से विभाजित किया गया है, पहला जो हमारा विभाजन होता है यह होते हैं अकर्मक क्रिया। कौन से होते हैं, अकर्मक क्रिया, ठीक है। और दूसरा हमारा जो विभाजन है वह विभाजन होते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यानी हमको अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं और सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं इसको भी जानना चाहिए, इसको भी मुझे आना चाहिए। तो यहां पर अगर हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं, हम सकर्मक क्रिया की बात करते हैं, तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि यह अकर्मक क्रिया है या यह सकर्मक क्रिया है, हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको पहचान के लिए करना क्या है कि यहां पर पहला कुछ भी नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं उसको बस सुन लीजिए। यथा नामे तथा कामे, जैसा नाम होता है वैसा ही कुछ काम होता है। तो यहां पर पहला जो हमारा है वह क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगर हम ये कहें कि अकर्मक क्रिया है तो इसमें आखिर कैसे हम जानेंगे कि ये अकर्मक क्रिया है और क्या आते हैं। तो पहली बात ये जानिए कि यहां पर क्या है, कर्म है, कर्म है, ये तो आप जान रहे हैं। अगर ये कर्म है तो ये कह रहे हैं अ है, और अ मतलब होता है नहीं, यानी जिसमें कर्म न हो। तो हम ये कह सकते हैं जिस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होते हैं उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा नंबर एक, क्या आप कह सकते हैं, जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं होते हैं उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ऐसा आप परिभाषा एक लिख सकते हैं। परिभाषा नंबर दो आप क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं
कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि यहां पर आप बात एक ही है लेकिन भिन्न भिन्न रूप कहने के अलग अलग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग जो है रूपों में सोच सकता है, अलग अलग रूपों में कह सकता है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम ये कह दें, मान लीजिए कि भाई अकर्मक क्रिया बराबर क्या होती है, मैथमेटिकल सूत्र में अगर हम बात देते हैं यानी गणितीय फार्मूले सूत्र में अगर हम देखते हैं तो अकर्मक क्रिया बराबर हम ये कह सकते हैं कर्ता धन क्रिया। कर्ता धन क्रिया को हम क्या कह देंगे कि यह अकर्मक क्रिया है। अब यहां से अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पुनः परिभाषा निर्मित कर सकते हैं। क्या मैंने पहला परिभाषा क्या बताया कि जिन वाक्यों में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं होते हैं उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, पहला। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़, सॉरी कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी परिभाषा आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आप ये देखिए कि कैसा आपको क्वेश्चंस आ सकता है या पूछा जा सकता है, किसी भी यानी आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि किसी का एक्स वाई जेड आप नाम ले लीजिए, नाम में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मान लीजिए मैंने लिखा आर्यन, आर्यन खाते हैं या आर्यन हंसते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा यहां पर। अब हमको ये बताइए कि मैंने कहा जिन वाक्य में कर्ता और क्रिया ही हो उसे हम अकर्मक कहेंगे, या वाक्य में कर्म उपस्थित न हो उसे हम अकर्मक कहेंगे। हंसना क्या हो गया, क्रिया हो गई, ये तो क्लियर हो गया। हंसना क्या है, क्रिया है। कौन हंसता है, क्रियाओं में कौन लगाते हैं, तो कर्ता हमको मिल जाता है। यानी कि हम क्रिया में कौन लगाएंगे तो हमको कौन हंसता है अगर उत्तर मिला, तो उत्तर क्या मिला, आर्यन हंसता है, तो आर्यन क्या हो जाएगा, यह कर्ता हो जाएगा, और हंसना क्या हो जाएगा, यह क्रिया हो जाएगी, यह क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो अब आप ये कह देंगे कि इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया ही उपस्थित है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है, ऐसा आप कह देंगे। तो कोई भी, मेरा सेंस ये नहीं है कि केवल एक कोई उदाहरण की बात है, मेरा यह सेंस है कि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने लिखा मानवी सोती है, मानवी सोती है, ऐसा लिखा, ठीक है। सोना क्या हुआ, क्रिया, सोना क्या, क्रिया। कौन सोती है, मानवी सोती है, ये मानवी क्या हो गई, कर्ता हो गई, और वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया उपस्थित है तो सीधा सीधा अकर्मक क्रिया। आप कहीं पर भी कुछ भी आता है डायरेक्ट आप एकदम निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा घोड़ा तेजी से दौड़ता है, ठीक है, तेजी से दौड़ता है, अगर ऐसा है घोड़ा तेजी से दौड़ता है, अब इसमें बताइए कि क्या यह कर्मक है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है। तो आपको यह बताना है कि भाई इसमें जो लिखा गया है, दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। अच्छा,
कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है, तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब बच गया ये तेजी से, तो भाई ये तेजी से क्या होगा? एक तेजी से क्या होगा, ये भी तो बचा हुआ है। तो आप कहेंगे दौड़ना यानी दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तो ये कहता है तेजी से दौड़ता है, यानी यह तेजी विशेषण हो गया। यह तेजी क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विशेषण किसकी बता रहा है, यानी विशेषण किसका है? क्रिया का है। तो क्रिया के पहले अगर विशेषण आ जाता है तो वह क्रिया की विशेषता बताता है। तो ऐसे में इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी तेजी से जो है यह विशेषण है। कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बात समझ में आई कि यानी यहां पर भी वाक्य अकर्मक ही है, ये नहीं है कि यह कर्म है, बस ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए इसे हम जो है क्रिया विशेषण के रूप में पढ़ते हैं या जानते हैं। तो यहां पर भी वाक्य अकर्मक ही होते हैं। बात समझाइए। तो ये यानी आपको कुछ भी पूछा जाए एक्स वाई जेड, तो आप जो है वह रोता है, हंसता है, चलता है, दौड़ता है, भागता है, ठीक है, कुछ भी होगा, सेंटेंस कहीं पर भी हो। अगर मान लीजिए कि ये लिखा गया अंशुल भागता है, ठीक है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा मान लीजिए लिखा गया है। काव्या टहलती है, काव्या टहलती है, ऐसा लिखा गया है, टहलती है, ठीक है। तो अब भागना क्या हो गया? क्रिया। कौन भागा? अंशुल भागा। यहां कर्ता मिल गया, यहां क्रिया मिल गया। टहलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। कौन टहलता है? काव्या टहलती है। तो काव्या क्या हो गई? ये कर्ता हो गई। टहलना क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। और ये वाक्य क्या हो गया? अकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। बात समझ में आई? ये रहा आपका क्या? अकर्मक क्रिया के उदाहरण और अकर्मक क्रिया। अब हम किस पर बात करते हैं? अब हम बात करते हैं सकर्मक पर बात करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम ये बात करें कि सकर्मक क्रिया क्या है, तो हमको ये जानना चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या है। तो यहां पर अब अगली हमारी जो हेडिंग पड़ जाएगी वह क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अगर हम परिभाषा की इसकी बात करते हैं तो आपको यह लिखा जा सकता है, पुनः आप मैथमेटिकल फार्मूले में आइए और इस मैथमेटिकल फार्मूले में देखें कि सकर्मक क्रिया बराबर क्या हो सकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं सकर्मक क्रिया बराबर? आप यह लिख सकते हैं कि सकर्मक क्रिया बराबर कर्ता, ऐसा लिख देंगे, कर्ता धन कर्म धन क्रिया, कर्ता धन कर्म धन क्रिया। अगर ये किसी भी वाक्य में उपस्थित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। बात क्लियर? तो अब यहां पर ये देखिए, इस सकर्मक क्रिया में, इसमें अगर हम परिभाषा की बात करें, पहली चीज आप परिभाषा अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखा जा सकता है? परिभाषा नंबर एक में क्या लिखा जा सकता है? ऐसा लिखा जा सकता है कि जिस वाक्य में कर्ता कर्म एवं क्रिया
क्रिया तीनों उपस्थित होते हैं, तीनों उपस्थित होते हैं, तीनों उपस्थित होते हैं, होते हैं तो उसे, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, कहते ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी हमको यह देखना है कि कर्ता कर्म क्रिया उपस्थित है कि नहीं है, यानी कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो। अगर उपस्थित हैं तो सकर्मक हुआ, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, दूसरी परिभाषा यह दिया जा सकता है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर, सॉरी, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टेक्निकल चीजें हैं, बस एक बार आप समझ गए तो यह आपको समझ में आ जाएगा। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर, यानी कर्ता पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कर्ता पर क्रिया का प्रभाव अगर पड़ा, यानी कर्ता के अनुसार अगर क्रिया परिवर्तित हुई तो वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर कर्ता का प्रभाव कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा नंबर टू यानी दो यह लिखा जा सकता है कि जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। परिभाषा नंबर तीन क्या लिखा जा सकता है, पुनः लिख दीजिए, सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है बल्कि इसके स्थान पर कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी आपको जो है, आप सीधा सीधा आप परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है बल्कि स्वयं बना दीजिए। तो ये सबसे और अच्छा बनाएंगे कब, जब आपको इसका भान हो जाएगा, इसका ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो इसमें एक कर्मक और द्विकर्मक भी होते हैं, तो इसके कुछ उदाहरण देते हैं, उदाहरण देख करके हम बातें समझेंगे। अगर मान लीजिए कि लिखा गया है पंकज, पंकज पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पंकज पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर ये बताइए कि आपको मिला क्या, पढ़ना क्या हुआ, आप क्या कहेंगे कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। ये तो आप अब जान गए होंगे कि क्रिया है। क्रिया में क्या लगाइए, या कभी कभी किसको भी लगाना पड़ता है, क्या लगाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा यानी कर्म मिलेगा। क्रिया में क्या लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्म मिलेगा। क्या पढ़ता है तो आप ये कहेंगे पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया। क्रिया में कौन लगाएंगे तो कर्ता मिलेगा, ऑलरेडी मैं अकर्मक क्रिया में बता चुका हूं। तो यहां कौन पढ़ता है तो आप कहेंगे पंकज पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। यानी इस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हैं,
इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आ रही है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाते हैं। अब हम जो है कुछ अन्य उदाहरण पर बात करते हैं, कुछ उदाहरण को दो चार उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ये डाउट ना हो कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। अगर मान लीजिए, जैसे अगर उदाहरण को देखा जाए तो अगर मैंने लिखा मोहन हल चलाता है, ठीक है, हल चलाता है ऐसा हमने लिखा है, तो अब यहां चलाना क्या हो गया, ये तो क्रिया हो गया, यानी ये क्रिया सीधा सीधा लिख सकते हैं। चलिए क्या चलाता है, क्रिया में लगाइए, क्या लगाइए, तो क्या चलाता है, हल चलाता है, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपका कर्म मिल गया। कौन चलाता है, तो आप कहेंगे कि मोहन चलाता है, यानी ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इस वाक्य में कर्ता भी उपस्थित है, कर्म भी उपस्थित है और क्रिया भी उपस्थित है। अगर हम किसी अन्य उदाहरण पर बात करें, देखिए उदाहरण आप जो मैंने, मैं ये आत्म प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आप स्वयं से उदाहरण बनाना सीख जाएंगे और उदाहरण की पुनरावृत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए कि हम उदाहरण जो हमको रटा हुआ है, यहां कुछ ऐसा नहीं है, आप जैसा उदाहरण लेना चाहिए वैसा उदाहरण लेते रहिए और बनाते रहिए, तो जानते हैं उससे क्या होता है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा होती है और वह अच्छा होता है। मान लीजिए कि हमने ये भी लिखा कि धोबी धोबी कपड़े धोबी कपड़े धोता है, धोता है, अगर ऐसा लिखा गया तो अब यहां पर ये देखिए आप, तो आप निकाल लेंगे धोना क्या हो गया, क्रिया, ये तो क्लियर है, क्या धोता है, कपड़े धोता है, यानी ये क्या हो गया, कर्म, ये क्या हो गया, यहां पर क्रिया उपस्थित, कौन धोता है, धोबी धोता है, तो ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। यानी इन वाक्यों में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हैं, इसलिए यह भी क्या है, सकर्मक क्रिया के ही उदाहरण होते हैं, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा कोई अगला कुछ हम उदाहरण लेते हैं, ये मैंने आपका नाम जो भी हो, अपना अपना नाम आप लोग ले लीजिएगा, जैसे कहा जाता है कि अपना अपना नाम ले लीजिए, वैसे आप अपना अपना नाम ले सकते हैं, मैं केवल प्रतीकात्मक आपको समझाने के लिए कोई भी जो हमारे मस्तिष्क में आ जा रहा है वह नाम मैं ले रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं सतेंद्र, सतेंद्र रोता है, या मैं ऐसा लिखता हूं सतेंद्र जोर जोर से, जोर जोर से रोता है। अब आप यहां ये बताइए कि हमको कि यह वाक्य कैसा है, सकर्मक है या अकर्मक है, आप बताइए। तो आपको अब तो थोड़ा सा पता तो हो गया होगा कि रोना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, क्रिया, क्या रोता है, कुछ मिला नहीं मिला, कौन रोता है, सतेंद्र रोता है, यानी ये क्या मिल गया, कर्ता मिल गया, और ये क्या हुआ, क्रिया मिल गई। अब क्रिया में क्रिया विशेषण के लिए कैसे रोता है, तो जोर जोर से रोता है, तो इस क्रिया की ये विशेषता है, क्रिया की ये क्या है, विशेषता है, न कि ये कर्म है, तो जब क्रिया की ये विशेषता है, कर्म नहीं है,
तो ये क्रिया विशेषण हो जाएंगे। भले ही इसमें विशेषण लगा है लेकिन क्रिया ही है, कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए यह पूरे के पूरे वाक्य जो हैं क्या हो जाएंगे, अकर्मक हो जाएंगे, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। मैंने इसलिए बीच में इसको उदाहरण ले लिया कि देखते हैं हो सकता है आप कह देते हैं कि सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, इसलिए मैंने बीच में लिया है। यहां पर मान लीजिए कुछ अन्य उदाहरणों को लेते हैं, लिया जाता है, देखा जाता है, माली माली फूल देता है, ठीक है, ऐसा अगर हमने लिखे, देना क्या हुआ, देना क्या होगा क्रिया, ये तो क्लियर, क्या देता है, फूल देता है, कर्म कौन देता है, माली देता है, तो क्या कर्ता, यानी ये क्या हो जाएगा, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया के उदाहरण कहेंगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम अन्य भी देख लेते हैं, इसमें एक इसके भेद हैं, द्विकर्मक क्रिया, कभी कभी ऐसा होता है कि द्विकर्मक क्रिया जानना चाहिए, हम ये नहीं, द्विकर्मक क्रिया ये जानना चाहिए आपको, द्विकर्मक द्विकर्मक क्रिया, इसमें देखिए क्या होता है, द्विकर्मक क्रियाओं में क्या होता है कि यहां पर नाम ही क्या है, द्विकर्मक, यानी दो कर्म उपस्थित हैं, अगर दो कर्म उपस्थित हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में एक कर्म न हो, अब दो कर्म हो, तो जब दो कर्म होंगे तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, तो द्विकर्मक क्रिया अपने आप में ही सकर्मक है, क्योंकि दो कर्म उपस्थित होते हैं। तो आप अगर मैं उदाहरण लेता हूं और ये लिखता हूं, अंश कंचन को विज्ञान पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है, अगर मैंने ऐसा लिखा, अब यहां पर ये देखिए, पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया, इतना तो क्लियर, ये क्रिया, अब ये बताइए क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है, एक कर्म यहां उपस्थित, किसको पढ़ाता है, कंचन को पढ़ाता है, ये भी कर्म उपस्थित, कौन पढ़ाता है, अंश पढ़ाता है, तो ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब इस वाक्य में कर्ता और क्रिया ये तो उपस्थित ही हैं, इसके साथ साथ दो कर्म भी उपस्थित हैं, इसलिए यह कौन सा वाक्य हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया रूपी वाक्य बोलते हैं। तो यहां पर द्विकर्मक है, यानी दो कर्म उपस्थित होते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, अन्य उदाहरणों को देखते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा वैभव प्रिया को चाट खिलाता है, ठीक है, चाट खिलाता है, वैसे भी थोड़ी सी महिलाएं चाट उट खाने की शौकीन होती हैं, तो फिलहाल खिलाता है, मातृ सशक्तिकरण, यानी कि खिलाना क्या हो गया, क्रिया, ये तो अब आपको तो भूलेगा नहीं, ये क्रिया, क्या खिलाता है, चाट खिलाता है, यानी कर्म, किसको खिलाता है, प्रिया को खिलाता है, यानी कर्म,
कौन खिलाता है? वैभव खिलाता है यानी कर्ता, कर्ता। तो अब यहां पर ये देख लीजिए कि कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों उपस्थित हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया रूपी वाक्य कहेंगे। सकर्मक में भी कौन से सकर्मक कहेंगे आपको? द्विकर्मक कहेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, नहीं तो आप उदाहरण के द्वारा ही अगर समझ जाएंगे तो ये सबसे बेटर होगा। एक उदाहरण और, कोई उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिखा कृष्ण राधा को क्या करते हैं भाई? कृष्ण राधा को, अच्छा वंशी लिख दें, पत्र में लिखने जा रहा था लेकिन छोड़ दीजिए, वंशी सुनाते हैं, ठीक है सुनाते हैं, ऐसा लिख दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पत्र नहीं लिखते थे उस समय, पता नहीं हाँ रहा होगा, सांचारिक रूप से कुछ रहा होगा, नहीं तो लिखित रूप से रहा होगा। वो तो बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी थी उस समय की, हम लोगों से वर्तमानिक को जो काल है इस काल से उन्नत टेक्नोलॉजी उस समय की हुआ करती थी। तो सुनाना क्या हो गया? ये तो क्रिया हो गया। क्रिया क्या सुनाते हैं? वंशी सुनाते हैं। चलो भैया किसको सुनाते हैं? राधा को सुनाते हैं। ये क्या हो गया? कर्म। कौन सुनाता है? ये कृष्ण सुनाते हैं, तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या हो गया? वाक्य हमारे सकर्मक हो गए। सकर्मक में भी कौन से वाक्य हो गए? द्विकर्मक हो गए। तो यानी आपको मैंने सकर्मक और अकर्मक के बारे में बताया, सकर्मक में भी द्विकर्मक को भी बताया, और पहले को एक कर्मक भी कह सकते हैं या केवल सकर्मक भी आप कह सकते हैं, उसमें रोक टोक नहीं है कि नहीं नहीं आपको एक कर्मक ही कहना है या सकर्मक ही कहना है। वैसे भी जीवन में आपको हमेशा सकर्मक ही होना चाहिए, यानी जीवन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए। निगेशन तो हटा दीजिए, दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। और हर एक, मैं बार बार, एक गोपाल दास नीरज की कविता है, मैं उसको हमेशा कहता हूं, क्लास में भी बताता रहता हूं कि जीवन में किसके दुख नहीं आए हैं, जीवन में किसके जो है कभी, जीवन में कालिमा किसके नहीं आएंगे, सब्बम दुखम, हर जगह दुख है। तो दुख किसके पास नहीं है जी? हर व्यक्ति के पास दुख है। लेकिन क्या अगर थोड़े से हम विचलित हो जाते हैं, हमारे कुछ ऐसे कार्य कुछ हो जाते हैं जो गलत हो जाते हैं, तो उससे मैं निराश हो जाऊं, उससे मैं चलना छोड़ दूं? गोपाल दास नीरज ने कहा, मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी सिकन आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल वही है तट पर। यानी लाखों बार गगरियां फूटी, कितनी बार गगरी फूटी होगी, आप चले जाइए तट के किनारे पर, गंगा तट पर चले जाइए, यमुना तट पर चले जाइए, कितनी बार कितनी गगरी फूटी होगी, लाखों बार गगरियां फूटी सिकन आई पनघट पर। क्या पनघट पर कोई सिकन आया है? नहीं आया है ना। सिकन नाई पनघट पर लाखों बार कश्तियां डूबी, कितनी बार नावें डूब गई होंगी। चले जाइए आप देखिए, जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं अगर नावें चलती हैं, बहुत सी नावें डूब जाती हैं, लेकिन नाव डूबता है फिर लोग देखते हैं, फिर वही कितनी नावें डूब गई हैं, कितनी कश्तियां डूबी गई हैं, लेकिन उस चहल पहल में कोई कमी नहीं आई है। लाखों बार गगरियां टूट फूटी सिकन नाई पनघट कर, पनघट पर लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, यानी तम मतलब होता है अंधकार, अंधकार की उम्र बढ़ाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, यानी जो प्रकाश, प्रकाश की आयु घटाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ को शिष्य,
पर उपवन नहीं मरा करता है, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो ये जो है ना, कितनी भी बाधाएं आती हैं, बाधाओं का काम है आना और हमारा काम है उसका निस्तारण करना। इस पूरे कायनात में, इस पूरे जगत में, इस पूरे जहान में, इस पूरे भव में, इस पूरे संसार में अगर कोई है, एक और एकमात्र बुद्धिमान प्राणी है, वह आप हैं, वह हम हैं। तो हमारे पास नहीं आएगी तो कौन किसके पास आएगी जी। कभी कभी जीवन में कभी उतार चढ़ाव हर के आते हैं, उन उतार चढ़ावों को आसानी से, बड़े प्रसन्न भाव से फेस करते हुए अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को आगे लेकर के चलिए। अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, अपने जीवन को एक उद्देश्यित रूप में आप प्रेषित करिए, तब जाकर के आप देखेंगे आप यूं ही आपका जो जीवन होगा वह स्वर्णमयी हो जाएगा, आपका जो जीवन होगा वह सुखमयी हो जाएगा, आपका जो जीवन होगा वह प्रसन्नमयी हो जाएगा, आपका जो जीवन होगा वह हर्षमयी हो जाएगा। तो यानी आप उस पलों को इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है। तो आप लोग, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप अगर सुपरटेट चाहते हैं कि अच्छे क्वालिफाई करना नहीं, हमारा उद्देश्य केवल क्वालिफाई करना नहीं है, एक सफलता का जो मानक है उस मानक के ऊपर हम प्राप्त करते हैं, अंक प्राप्त करते हैं, तो निश्चित तौर पर निःसंदेह बिना कुछ सोचे हुए आप हमसे जुड़िए और इसका लाभ, यानी आपको लगेगा कि हाँ मैं किसी से जुड़ रहा हूं, आपको खुद ही अनुभूति होगी और आप कहेंगे। तो ठीक है, तो यानी अब आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। यूं ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में आप हमेशा ही मुस्कुराते हुए रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।